हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इनकंसीवेबल थिंकिंग्स। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है और टेक्नोलॉजी से पूरी भरी हुई है और जो बहुत सारी थ्योरीज अभी तक दी गई हैं उन पे भी बेस्ड है। बात करेंगे आज हम स्पेस साइंस की बहुत ही दुर्लभ घटना। आज हाल में ही देखा गया है कि एक न्यूट्रॉन स्टार एक ब्लैक होल से टकराया है। तो आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, ब्लैक होल आखिरकार होते कौन हैं? ब्लैक होल एक मासिव ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होती है और साथ में वो एक बहुत ही स्मॉल एरिया में होता है। एरिया बहुत ज़्यादा कम, मास बहुत ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब उसकी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि कोई भी चीज़ जो है उसके पास अट्रैक्ट बहुत जल्दी होगी। जैसे कि एक टर्म आता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी आप क्लास 11th के फिजिक्स में हो सकता है पढ़े हों, जिसमें यह आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके हिसाब से देखा जाता है। जैसे कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 मीटर्स है स्क्वायर है। अगर इसके स्पीड से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से बाहर फेंक देते हैं तो ऑब्जेक्ट अर्थ पे दोबारा लौट के नहीं आएगा। ऐसे ही एस्केप वेलोसिटी अगर हम लोग देखें कि सन की कितनी है, वो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सन पे फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं आता है लौट के दोबारा। तो आखिरकार ब्लैक होल में ऐसा क्या होता है, आखिर ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल एक सिंपल स्टार के फॉर्म का ही एक ऑब्जेक्ट होता है जो एक गैसेस का या एक मासेस का कोलिजन होता है। और साथ में अगर उसको देखें तो ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी वो मोर देन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की हो जाती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं हो पाएगी। जो हम लोग लाइट की एवरेज स्पीड लेते हैं वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हम लोग मानते हैं एवरेज में। तो अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा कि लाइट के फोटॉन्स जो हैं वो भी वहाँ से एस्केप नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो हम उसको कैसे देखेंगे? अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो वो ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पे आएगी, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेकिन ब्लैक होल को हम लोग देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि ब्लैक होल जो है वो सबकी सब लाइट जो उसके पास गई वो कभी भी लौट के नहीं आई। लाइट हमेशा उसके पास चली ही जाती है और दोबारा लौट के आती नहीं है। और सबसे स्पीड कही जाती है स्पेस में, सबसे ज़्यादा स्पीड है लाइट की। और वहीं से ही एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट। जानेंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है और आखिर न्यूट्रॉन स्टार कौन होते हैं। अब न्यूट्रॉन स्टार देखते हैं। न्यूट्रॉन स्टार एक स्टार का ही ये फॉर्म है जो डेड स्टार होता है और इसके पास भी मास सबसे ज़्यादा होता है। जब अभी तक यह देखा गया, दो ब्लैक होल्स आपस में एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं और कहा जाता है कि एक सुपर मासिव ब्लैक होल अपने मिल्की वे की गैलेक्सी के सेंटर में भी है, जिसके आसपास सबके सब सोलर सिस्टम्स घूम रहे हैं। यह हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई जानकारी हो, जैसे कि अपने सोलर सिस्टम में सन के आसपास सबके सब प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के अराउंड उसके जो सैटेलाइट्स हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं, ऐसे ही अपना सोलर सिस्टम भी ऑर्बिट कर रहा है, जो कि 250 करोड़ साल में एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है अपना सोलर सिस्टम पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल बताया जा रहा है सुपर मासिव ब्लैक होल, वो भी एक चक्कर लगा रहा है पूरे यूनिवर्स का, मतलब एक दूसरे के सब चक्कर लगा रहे हैं। यही एक स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट आता है कि जो स्पेस में हम लोग टाइम की स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वही हम लोग टाइम ट्रेवल के स्पीड से मानते हैं। अगर कहा जाता है हम अगर इस लाइट की स्पीड से चलने लगें तो क्या होगा, लाइट की स्पीड से अगर हम लोग चलने लगते हैं तो कहा जाता है कि हम लोग टाइम के बराबर पैरेलल आ जाएंगे, हमारे लिए टाइम कुछ भी रहेगा नहीं। इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल रहते हैं। अगर आप रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी उसको आप पढ़ें, एक उनकी बुक भी है इस पे, और एक बुक और हम आपको सजेस्ट करेंगे जो आप ज़रूर पढ़िए, द ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्स। ये दोनों किताबें आप पढ़िए तो स्पेस का आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और साथ में उसमें यह बताया गया है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से सीख सकते हैं। वो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं,
तो आपको क्या पता कि ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आर की है, अगर वो ट्रेन की स्पीड इतनी हुई तो, कि आप ऐसे लगाएंगे कि एक कोई ऑब्जेक्ट आप फिक्स पॉइंट पर रखेंगे कि किसके रिलेटिव में आप उसको देख रहे हैं, कोई एक पोल है जो कि अपनी स्पीड पे वहाँ पे फिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये डिटेक्ट किया कि आपके ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर्स की है। और वहीं पे ही अगर दूसरी ट्रेन 120 की स्पीड से आ जाए तो आपकी स्पीड कितनी होगी, आपकी स्पीड तो -20 हो जाएगी और उनके लिए +20 होगी जबकि वो 120 की स्पीड में जा रहे हैं। यही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब आप किसके अकॉर्डिंग में वो चीज़ देख रहे हैं। अगर हम लोग ज़्यादातर चीज़ें जो टाइम की हैं वो लाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर हम लोग लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ चलने लगे तो हमारी एज बताया जा रहा है कि और कम हो जाएगी, जहाँ पे अगर हम लोग पृथ्वी पे बाई चांस दो लोग हैं एक साथ एक समय पे पैदा हुए, वो दो के दोनों 20 साल के हैं, अगर एक जाता है लाइट की स्पीड से स्पेस में और वो उस स्पीड से ट्रेवल करने लगता है तो हो सकता है एक दो मिनट बाद वो 20 साल का ही रहे लेकिन पृथ्वी पे कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसके लिए एक बढ़िया मूवी है इंटरस्टेलर मूवी, आप उसको ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। और अब देखते हैं आज की करंट न्यूज़ में क्या है। करंट न्यूज़ में कहा गया है ब्लैक होल जब न्यूट्रॉन स्टार से टकरा रहा है, ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार से टकरा रहा है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन स्टार भी एक मासिव स्टार है जो कि एक बहुत ज़्यादा, मतलब वो लाइट को ज़्यादा ट्रैप उससे रिफ्लेक्ट तो कर जाती है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अब ये पहली बार घटना देखी गई है 30 जून 2021 को कि दो के दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे में कोलाइड कर गए हैं। कोलिजन इतना, ये किसने देखा है, ये कोलिजन देखा है लीगो ने, लीगो LIGO लेज़र इंफॉर्मेटरी ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये ऑब्जर्वेटरी है जो कि स्पेस के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करती हैं। हाल में ही एक बढ़िया टेलीस्कोप था हबल टेलीस्कोप, इसका कंप्यूटर बहुत पुराना था, हाल में ही उसने भी काम करना बंद कर दिया है। एक और ऑब्जर्वेटरी है विर्गो, विर्गो एक कॉन्स्टेलेशन भी है, इसने भी यही चीज़ें सेम चीज़ें डिटेक्ट की हैं। और ये एक स्पेस साइंस की बहुत ही दुर्लभ घटना हो रही है कि जिसमें पहली बार देखा जा रहा है कि एक ये मतलब ब्लैक होल जो है ये एक न्यूट्रॉन स्टार से टकरा रहा है। न्यूट्रॉन स्टार को तो ऐसे ही निगल जाना चाहिए लेकिन ये टकराए हैं एक दूसरे के उसमें ऑर्बिट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये ब्लैक होल बड़ा होगा या नहीं। हाँ, ये ब्लैक होल में जब न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड होगा तो ये ब्लैक होल और ज़्यादा मासिव हो जाएगा। और ब्लैक होल की प्रॉपर्टी क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मास हो जाता है और वो मास आपस में ही कोलाइड करते रहते हैं और आपस में ही मतलब बहुत ज़्यादा उस डेंस हो जाता है, इतना ज़्यादा डेंस कि जैसे आप पूरी पृथ्वी को एक छोटे से बॉल की तरह कर दो, बहुत ही छोटे, लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर के रेडियस की, इतनी बड़ी पृथ्वी को जब आप इतना कर देंगे तब ये बन जाएगा ब्लैक होल के वैसा। कहा जाता है कि सूर्य के पास भी उतना मास नहीं है कि वो ब्लैक होल बन सके। हाल में ही ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं। ये रहा आज के करंट न्यूज़ में, होप कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और एक बढ़िया अनाउंसमेंट है कि 8 जुलाई को 8 बजे हमारी एक वीडियो आ रही है अटवा की सती पे, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादातर लोगों के पास वो चीज़ पहुँच सके। बहुत ही अच्छी घटना है हमारे यहाँ की, उसको मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में कवर किया है, उसकी एक स्टोरी के टाइप में दिया गया है, पूरा उसमें विजुअल इफेक्ट दिखाए गए हैं, पूरी स्टोरी का नरेशन है, उसमें कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। तो आप 8 तारीख को शाम के 8 बजे हमारे चैनल पे आना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके, या हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी है, या नीचे साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ये रहा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।